हेलो एवरीवन, मैं हूं असन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं बी टॉक्स के साथ कुछ मजीद और मजेदार न्यूज को लेकर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को तो प्लीज सब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स बिगिन। जिस तरह हम जानते हैं कि पबजी मोबाइल से एक वीक पहले रिमूव कर दिया गया है बैंड, और अब पबजी मोबाइल ने अपना ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च कर दिया है फॉर बेटर कम्युनिकेशन, डिस्कशन एंड फॉर लेस लैगिंग। जिस तरह हम जानते हैं कि पहले जो पबजी गेमर थे वो यूज करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो डिस्कस करते हैं अपनी चीजें और अपने इशू रिजोल्व करवाते हैं, लेकिन अब वो इस सर्वर की मदद से अपने डिस्कस कर सकते हैं चीजें और साथ साथ वहां पर वो अपने इशू रिजोल्व करवा सकते हैं। गूगल ने लॉन्च कर दिया है नया नियर बाय शेयरिंग फीचर जो कि अल्टरनेटिव है एयर ड्रॉप का। गूगल ने यह फीचर काफी टेस्टिंग के बाद लॉन्च करा है और गूगल ने इस फीचर के अंदर खास तौर पर ख्याल रखा है इसकी सिक्योरिटी का, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान रहेगी इनक्रिप्टेड। ये जो फीचर है ये आप एंड्रॉइड वर्जन 6.0 और इसके ऊपर की जो डिवाइसेज है उस पर आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग म्यूजिक फाइल्स फोटोज शेयर करते हैं यूजिंग एयर ड्रॉप, अब हम बिल्कुल सिमिलर इन चीजों को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फीचर। Netflix ने लॉन्च कर दिया नया फीचर जो कि है कंट्रोल प्लेबैक स्पीड। इस फीचर की मदद से अब आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी व्यूइंग स्पीड को। इस फीचर के अंदर Netflix आपको दे रहा है 0.5 to 0.75 की स्पीड फॉर द स्लो व्यूइंग और 1.25 to 1.5 की स्पीड फॉर द फास्ट व्यूइंग। इस फीचर की काफी टाइम से यूजर डिमांड कर रहे थे, ये कहना है नेटफ्लिक्स ऑफिशियल्स का। लेकिन अगर हम बात करते चले वीडियो फीचर्स की जो नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, तो अगर हम बात करें इसको और कंपेयर करें यूट्यूब के साथ, तो अभी तक इसके जो फीचर थे वो काफी कम है एज कंपेयर टू यूट्यूब। तो लेकिन ये काफी अच्छा फीचर होने वाला है, काफी यूजर्स को इसकी नीड थी कि वो अपनी प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल कर सके। तो काफी अच्छी अपडेट आई है नेटफ्लिक्स की तरफ से। YouTube ने अनाउंस करा है कि वो दिसंबर तक ट्रांसफर कर देगा सारे यूजर को जो के हैं Google Play Music के टू द YouTube Music। जिस तरह हम जानते हैं कि कुछ महीनों से ही Google Play Music की माइग्रेशन चल रही है, जिसमें इंक्लूड हैं लिरिक्स साथ साथ जो म्यूजिक प्लेलिस्ट होती है हमारी, उसकी माइग्रेशन चल रही है आहिस्ता आहिस्ता टू YouTube Music। तो YouTube ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि वो इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर 2020 तक कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा हर चीज फ्रॉम द Google Play Music टू द YouTube Music। TikTok ने अपडेट कर दी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस, और जिस तरह हम जानते हैं कि TikTok को मिली थी कुछ हफ्ते पहले वार्निंग PTA की तरफ से जो कि है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और उस वार्निंग के अंदर ये बात मेंशन की गई थी कि जो TikTok है उसको अपडेट करना है अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन को, और साथ साथ जो भी उनका कॉन्टेंट है जो कि एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट है उसको करना चाहिए उनको रिमूव, और उसके खिलाफ उनको कोई ना कोई अपनी गाइडलाइन बनानी चाहिए। तो TikTok ने अब कर दी अपनी गाइडलाइन अपडेट, और उसके साथ साथ जो ये गाइडलाइन आई है इसका एक वर्जन अब आप देख सकते हैं उर्दू के अंदर भी, जो कि पहली दफा हुआ है कि टिकटॉक ने जो अपनी गाइडलाइन है कम्युनिटी गाइडलाइन उसका उर्दू वर्जन भी निकाल कर अवेलेबल कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा आसानियां पैदा करेगा जो भी कंटेंट क्रिएटर है टिकटॉक के उनके लिए भी पाकिस्तान में मौजूद। वीडियो के इख्तिताम पर मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार अगर आप लोग जब तक वीडियो को लाइक नहीं करते ना तो सीरियसली बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि आप लोगों का जब तक सपोर्ट रहेगा तो मैं अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।